बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शबशराज और आप लोग के लिए लेके आई हूं आपका फेवरेट शो रत्नों, जो कि आप देखते हैं धरती टीवी मंडे टू थर्सडे। वीक में ये चार दिन हैं जो मैं कोशिश करती हूं कि आपके लिए कुछ ऐसी रेसिपीज़ लेके आऊँ, अपना शो ऐसे डिज़ाइन करूं जो कि आपको चीज़ें पसंद है। तो जो आप फरमाइशें मुझे करते हैं, इनबॉक्स करते हैं फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, आप मुझे अपनी रिक्वेस्ट से, आरा से सजेशन दे सकते हैं हम शो को बेहतर किस तरह बना सकते हैं। मुझे शो का फीडबैक आना शुरू हो गया है, तो जो पज़ीराई आप लोग की तरफ से मिली है उससे मैं आज आपको नज़र आ रही होंगी थोड़ी सी हैप्पी हैप्पी, खुश खुश, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कहते हैं कि यार शो अच्छा कर रही हो, रेसिपीज़ कुछ समझ आ रही है, सीखने को कुछ मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे शो को स्पॉन्सर किया है पैसिफिक कुकिंग ऑयल ने, जो कि आज का इंतखाब है। कहते हैं कि USDA ट्रीटेड है, विटामिन ए, ई और डी शामिल है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, खाने को जायकेदार बनाता है, खुशबू अच्छी है। जब मैं खाना बनाती हूँ तो तारीफ़ें होती है, और क्या चीज़ चाहिए। यही तो चीज़ें हम जब एक ऑयल लेते हैं तो यही चीज़ें हम ढूंढ रहे होते हैं कि ऑयल का इंतखाब हम जब करें तो ये सारी क्वालिटीज़ इसमें हो, तो ये क्वालिटी है और आज का यही इंतखाब है। तो मैं आज बना क्या रही हूँ, आज थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ। आपसे मैंने कहा था कि मैं थोड़ी सी अपनी जो अमूमन हमें सब्ज़ियाँ वगैरह नज़र आती हैं तो वो हम नहीं खाते हैं, क्योंकि वही बेसिक रेसिपीज़ होती है, बच्चे बोर हो चुके होते हैं, फैमिली वाले कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ हट के होना चाहिए, तो कुछ हट के येट बजट के अंदर रह के मैं आज बनाऊँगी। मिर्चों का सालन बनाऊँगी और थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ उसको हम चिकन के साथ बनाएंगे। चिकन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी, थोड़ा सा उसको बजट से अंदर रख के ही हम मिर्चों का सालन बनाएंगे। मिर्चें बहुत सस्ती मिलती है, रीज़नेबल मिलती है, तो अगर आप इसका सालन बनाएं तो यू नो, आपका बजट भी आउट नहीं होगा और आप खाना भी बना सकते हैं। इसको साइड डिश के तरह भी आप बना सकते हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं, आपने एक कढ़ाई बना ली, एक पुलाव बना लिया, तो साइड पे आप मिर्चों का सालन बना सकते हैं। बहुत मज़े की है, बहुत यमी है, इंग्रेडिएंट्स थोड़े से ज़्यादा है, मगर कुछ ऐसा नहीं है जो आपके पास ना हो, कुछ अनयूजुअल नहीं है। तो मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ कि इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तकरीबन मैंने 6 अदद ये बड़ी वाली मिर्चें हैं मेरे पास, अच्छा मार्केट में इससे भी बड़ी मिर्चें दस्तयाब है, तो अगर आपको वो वाली मिर्चें मिल जाती है वेल एंड गुड, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। शामिल करेंगे इसमें हम तकरीबन 1 कप चिकन मैंने लिया है, इसको मैं बॉईल करूँगी और श्रेड करूँगी, और ताकि खाने वाले को ये ना लगे कि सिर्फ मिर्चें हैं, तो जो चिकन का भी उसमें फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। इसमें शामिल करेंगे हल्दी तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब, खशखाश है, पॉपी सीड्स, जो लोग बाहर रहते हैं उनको तो नहीं मिलेगा, तो अगर आपको नहीं मिलता ये खशखाश, कनाडा वगैरह बिल्कुल बैन है, सिर्फ पाकिस्तान में कुछ और चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ ये खशखाश मिल जाता है, तो आपको अगर दस्तयाब है तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, नहीं है कोई बात नहीं, रेसिपी में इतना फ़र्क नहीं आता। हाँ, इसका टेस्ट एक क्रीमी से एक टेक्स्चर और टेस्ट देता है, तो जो कि मज़े का लगता है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे। खोपरा है मेरे पास, कोकोनट ग्रेटेड है, इसको आप अगर आपके पास दलिया है इसकी जो साबित साबित, आप उसको ग्रेटर में शामिल करके उसको आप ग्रेट कर सकते हैं। नमक हसबे ज़ायका इस्तेमाल करूँगी। ज़ीरा है मेरे पास भुना हुआ, वो इस्तेमाल करूँगी 1 चाय का चम्मच। मिर्ची, क्योंकि मैं मिर्चों का सालन बना रही हूँ तो मिर्चें, जो लाल मिर्ची पाउडर है वो मैं या तो बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी, अगर मिर्चें ज़्यादा थीकी नहीं है तो वो आपके टेस्ट पे और मिर्चों पे डिपेंड करता है, तो लाल मिर्ची पाउडर अगर आप नहीं डालना चाहते, सिर्फ कलर के लिए डालना चाहते हैं, तो आप पेपरिका पाउडर या कश्मीरी मिर्चें भी आप डाल सकते हैं, अगर आपको मज़ीद स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप शामिल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर वैसे ऑप्शनल रखा हुआ है। अच्छा, मेरे पास तिल है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल करूँगी, और मेरे पास यहाँ पे अजवा वो है कलौंजी है, तो कलौंजी जब भी आप इस्तेमाल करें, क्योंकि सुन्नत रसूल है, मैं आपको हमेशा अपने शो में कहती हूँ कि आप ये ज़रूर नियत कर लिया करें कि ये सुन्नत है और दुरूद शरीफ पढ़ के जब आप इस्तेमाल करेंगे, कलौंजी के बहुत सारे फ़वाद हैं, तो अल्लाह ताला आपको शिफा भी देगा और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो एक पिंच हम जो है वो कलौंजी इस्तेमाल करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे 1 खाने का चम्मच, करी पत्ता तकरीबन 6 पत्ते हम करी पत्ता के इस्तेमाल करेंगे, ये वाली मिर्चें जो होती है साबित लाल, ये ज़्यादा थीकी नहीं होती, इसको मैं तोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल साबित फ्राई करूंगी, और मेरे पास यहाँ पे धनिया है, धनिया साबित, धनिया सीड्स
ठीक है, ये इस्तेमाल करेंगे तकरीबन एक चाय का चम्मच। और यहाँ पे इमली है मेरे पास, इमली को मैंने भिगो के उसका गुदा निचोड़ के अच्छा सा इसका ये जूस निकाल लिया। और मेरे पास है राई दाना, ये भी तकरीबन एक चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। और एक प्याज, पैसिफिक कुकिंग ऑयल तकरीबन मैं हाफ कप। और मेरे पास यहाँ पे मेरे ख़्याल से आपको बता दिया था, एक कप के करीब चिकन है, ये बोनलेस नहीं है, ये अगर आपके पास बोनलेस है तो वेल एंड गुड, अगर बोनलेस नहीं है तो कोई बात नहीं। हम जब इसको हम बॉईल करेंगे, इसको बेसिकली हमने श्रेड कर लेना है, छोटे छोटे आपने बॉईल करने के बाद इसके पीसेस कर लेना है। किस तरह ये आज रेसिपी बनेगी इसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा पानी लूँगी और ये जो चिकन है इसको हम करेंगे बॉईल तकरीबन एक कप पानी में। मैंने ये चिकन वॉश करके अच्छे से ये आपने इसको बॉईल कर लेना है। बहुत बेसिक रेसिपी है, आई होप कि आपको पसंद आएगी। कुछ इसमें मैं नहीं पकाती, कोशिश करती हूँ कि ऐसी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ जो आसान हो और चीज़ें सारी आपके पास हो। इसको हमने गलाना नहीं है, बस बेसिकली इतना ये हो पक जाए कि ये श्रेड हो जाए हाथों की मदद से। और ये इतना जो पानी मैंने शामिल किया है इसको मैं ड्राई करूँगी। बेसिकली आज की रेसिपी बहुत आसान है, बस थोड़े से मसाले ज़्यादा है और चीज़ें ज़्यादा है, स्टेप्स बहुत इजी है। हम इस चिकन को अच्छे से बॉईल करके, अच्छा इसके अंदर हमें एक अदद नींबू भी चाहिए होगा गार्निशिंग के लिए। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, इमली भी है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल एसिड नहीं है। थोड़ा सा इसको पकाऊंगी और यहाँ पे इसको कवर कर लूँगी ताकि ये जल्दी से पक जाए। मीनवाइल हमने क्या करना है, फ्लेम कर लिए ऑन। अच्छा ये मिर्चों को मैं एक कट लगाऊंगी, ठीक है। और बेसिकली आपने इस तरह कट लगाया एक साइड से, ठीक है। बड़ी वाली मिर्ची अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वो कम तीखी होती है, बल्कि होती ही नहीं है, उसका टेस्ट ऑलमोस्ट शिमला मिर्च की तरह होता है, बट टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो तीखापन उसका कम होता है। शामिल करेंगे पैसिफिक कुकिंग ऑयल हाफ कप के करीब। अब हम इसमें शामिल करेंगे राई दाना तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अच्छा मेरे पास यहाँ पे खशखाश सीड है, इसको मैं वॉश करूँगी, ऐसे नहीं शामिल करूँगी, इसके अंदर रेत के पार्टिकल्स होते हैं। आँच इसकी जो है बहुत हल्की रखनी है क्योंकि ये मसाले जो है जले ना। मैं इस खशखाश को जो के 1 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको मैं वॉश करूँगी थोड़ी देर के लिए। आप इसको भिगोएंगे तो जो मिट्टी है, सैंड है, रेत है इसके अंदर, वो सब नीचे बैठ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा भिगो के रखूँगी ताकि ये फूल भी जाए, और चाय की जो छन्नी होती है आप उसके ज़रिए भी इसको छान सकते हैं।
तेल में मैंने शामिल किया था एक चाय का चम्मच राई दाना। अब मैं शामिल कर रही हूँ बाकी चीज़ें। ये मिर्चे, दो से तीन लाल मिर्चे सिर्फ कलर के लिए, और शामिल करूँगी ज़ीरा। याद रखिएगा आंच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है। कलौंजी एक पिंच और तिल। तिल को भी देखिएगा कि इसके अंदर कोई पत्थर वगैरह ना हो, साफ सुथरा हो। अब इसमें हम शामिल करेंगे धनिया सीड्स और ये खोपरा। अब शामिल करूंगी करी पत्ते, तकरीबन 6 से 8 अदद, और ये जो खशखाश है बेसिकली ये हम शामिल करेंगे। जो रेत है ये सारा नीचे बैठ गया। याद रखिएगा आपने फ्लेम जो है बहुत हल्की रखनी है, ज़्यादा फ्लेम नहीं रखनी। एक तो आपकी ये जो चीज़ें आपने इसमें तेल में डाला है ये सब जल जाएंगी। दूसरे जब आप ये खशखाश या इमली का पानी शामिल करेंगे तो एकदम तेल ये ना हो कि आपके ऊपर आए। इसको बहुत हल्की आंच, जैसे दम पे आप चावल रखते हैं इसी तरह इसकी आंच होनी चाहिए। अब मैं शामिल करूंगी इमली का पानी आधा, थोड़ा सा बिल्कुल। जो हाफ रह जाएगा वो हम आखिर में शामिल करेंगे। नमक हस्बे जायका, और लहसुन अदरक का पेस्ट एक खाने का चम्मच, या अगर अलग अलग है तो 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून जिंजर, अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैं अभी क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, मैं इस ये बिल्कुल तैयार है, इसको मैं बंद कर दूंगी और जब ब्रेक से वापस आएंगे होपफुली हमारा ये जो चिकन है ये मुर्गी है ये पक चुकी होगी। ब्रेक में मैं सिर्फ थोड़ा सा ये काम करूंगी कि इसको मैं हड्डी से अलग करूंगी और थोड़े से श्रेड करूंगी, थोड़ा सा इसको रेशा रेशा करना है। जो चीज़ें जो प्रोसेस होना है वो मैं ब्रेक में आप सबके सामने करूंगी, तो ये दो काम के अलावा। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो रदनूर। ब्रेक से पहले मैंने एक साइड पे चिकन बॉईल करने के लिए रखा था, जो कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको ब्रेक में थोड़ा सा श्रेड करूंगी। मैंने हड्डी, क्योंकि हड्डियों वाला गोश्त था, मैंने उसकी हड्डियां निकाल के इस तरह श्रेड कर लिया। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा चीटिंग इसलिए कि आप भी कर सकते हैं, आपके पास अगर फूड प्रोसेसर है तो आप उसके अंदर इसको
एक दो दफ़ा चलाएंगे तो इस तरह ये श्रेडेड सा हो जाएगा और अच्छा सा हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है आप हाथों की मदद से आराम से कर सकते हैं। बस इसका ये आपने जितना पानी शामिल किया था कोशिश करना है कि वो आपने खुश्क करना है, ठीक है। ये अब हम इसमें ये जो चिकन है, फ्लेम क्योंकि मैंने ऑफ़ कर दिया था, ब्रेक मुझे लेनी थी, मैं चाह रही थी हर चीज़ आपके सामने करूं, तो बेसिकली मैं ये जो चिकन है इसका ये मसाला इस चिकन में, आई मीन ये चिकन जो है इस मसाले में फ्राई करूंगी। और इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी क्योंकि ऑलरेडी चिकन पकी हुई है, गली हुई है, बस इसको श्रेड की हुई है, तो इसको थोड़ा सा हमने टॉस एंड टर्न करना है, दैट्स इट। बहुत इजी रेसिपी है, थोड़ा सा इसके स्टेप्स हैं मगर नेवरदलेस है बहुत आसान। बहुत मज़े की, एक खोपरे की अपनी स्मेल, खशखश की, तिल की, सब चीज़ों की एक अपनी एक जो एक खुशबू है वो इस वक्त आ रही है। इमली का पानी याद रखेगा कि मैंने हाफ कप शामिल किया था और हाफ कप मेरे पास यहाँ पे स्टिल है। ये बस अब मैं चूल्हा ऑफ करूँगी। अब वाला जो स्टेप है आपको दिखाऊँगी कि मैं जो ये मिर्चें जो जिस पे मैंने कट लगाई थी अब मैं इसको भरूँगी। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आपने थोड़ा सा ये जो मिक्सचर है इसको ठंडा होने दे। ये सब नहीं मैं भरूँगी, ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा छोड़ूंगी और इसी में मैं मसाला बनाऊँगी, तो मुझे तो खैर करना ही करना है, गरम गरम थोड़ा सा मैं बर्दाश्त कर लूँगी। देखिए हम आप लोग के लिए क्या क्या करते हैं, बस इसको थोड़ा सा हाथ से अगर मैं भर लूँगी, थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे ज़रूर आने दीजिए ताकि आप इसको हैंडल कर सकें। मेरे हाथ धुले हुए हैं, हमेशा अपने हाथ से काम किया करें, हाथों का जायका जो है ना खाने में आता है। और अगर स्पेशली माँ के हाथ का जो जायका है ना, कहते हैं कि उसका कोई नेम बदल नहीं है। इसमें हमने शामिल किया था सारे मसाले और चिकन, पैसिफिक कुकिंग ऑयल में उसको हमने बनाया था। अब बेसिकली मैं इस मिर्चों को स्टफ़ कर रही हूँ, भर रही हूँ। आप ये आराम से पहले से बना के कर सकते हैं और जिस टाइम पे आपने बनाना है सालन खाना बनाना है तो उस टाइम पे आराम से आप इन मिर्चों को आप फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं है, मैं सिर्फ आपको थोड़े से करके दिखा रही हूँ, मगर आप आधा किलो इस मिक्सचर से आधा किलो मिर्चें आप आराम से फिल कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं, बाहर थोड़ी सी गिरी हुई है, कुछ नहीं होता। और अगर बच जाए यही मिक्सचर में आप डाल सकते हैं, जो हम प्याज का मिक्सचर बनाएंगे, मसाला बनाएंगे, वो आप उसके अंदर ये दोबारा से ये जो बचा हुआ है ये रख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप सारी मिर्चें भरें, बीच में आप सरप्राइज़ भी रख सकते हैं, एक मिर्च खाली हो। इस तरह भरे हुए बैंगन भी बनते हैं और करेले भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारी मिर्चें, मैं ज़रा हाथ धो लूँ। और अब हम बनाएंगे मसाला, इसी फ्राइंग पैन में मैं बनाऊंगी। एक खाने का चम्मच मैं डाल रही हूँ पैसिफिक कुकिंग ऑयल, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा।
और अब मैं ये जो प्याज है इसको करूँगी चॉप। पैसिफिक कुकिंग ऑयल में प्याज को हम सौते करेंगे, फिर इमली का पानी और ये जो बचा हुआ मसाला है ये शामिल करेंगे और अपनी हरी मिर्चें हम फ्राई करेंगे इसमें। ये प्याज शामिल किया और ये हरी मिर्चें जो हमने फिल इन की थी ये शामिल। प्याज़ों के साथ ही ताकि प्याज के पानी से मिर्ची भी सॉफ्ट हो जाए। मैंने जो जिस कढ़ाई में मैं बना रही हूँ, जिस कढ़ाई में मैंने उसका उसकी फिलिंग बनाई थी उसी में मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। चेंज करने की आज तक आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो इमली का पानी है थोड़ा थोड़ा आप शामिल कर सकते हैं ताकि प्याज वगैरह जले ना, साथ साथ ऑयल का भी काम देता है ये। थोड़ा थोड़ा करके ड्राई किया फिर इसको शामिल किया। ये हमारी मिर्चें एक डिफरेंट रेसिपी है मगर ये बहुत आसान रेसिपी है और इकोनॉमिकल है। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मुर्गी ली थी, बस ये कि मिर्चें आपको एक तो सस्ती मिल जाती है और रेसिपी भी आसान सी है। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा कि रेसिपी कैसे बनी है। अच्छा, अगर आपके पास यू नो आपके फैमिली मेंबर ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, सर्विंग ज़्यादा है तो आप प्याज की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। मैंने एक प्याज लिया है तकरीबन 50 ग्राम का, आप दो ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको कवर करके रखूँगी इन द मीन वाइल। जिस डिश में मैं सर्व कर रही हूँ वो मैं डिश ले आऊँ ज़रा आपके पास। इसमें आप चाहे तो आप टमाटर के स्लाइसेस भी कट करके डाल सकते हैं, मसाला भी ज़्यादा हो जाएगा और टेस्ट भी थोड़ा सा इन्हांस हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मिर्चें गल जाए। मेरे पास यहाँ पे अदरक है, रेसिपी में मैंने आपको नहीं लिखवाई थी मगर उसके लिए गार्निशिंग के लिए अगर आप चाहे तो आप थोड़े से जूलियन कट कर सकते हैं। मैं ये मसाला जो है टेस्ट करना चाह रही हूँ कि कैसा बना है। आई एम श्योर आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़े किया। अच्छा, ये जो मिक्सचर है ये मैं इसी में ही डाल के प्याज़ों के साथ
अगर आप चाहते हैं कि पकोड़े बनाना, तो इस तरह आपने मिर्चों को फिल किया, स्टफ किया, पकोड़ों के मिक्सचर में डिप किया और आपके स्टफ मिर्चे, मिर्चों का पकोड़े बिल्कुल रेडी। तो एक रेसिपी से अगर आपको एक चीज़ समझ आ जाती है, उस रेसिपी को आप इनोवेट करके, थोड़ा सा चेंज करके आप मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं। बस आइडियाज़ जो है दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आज क्या डिफरेंट बनाया जा सके। थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि मिर्चें सॉफ्ट हो जाए। और ये अमूमन मर्द हजरात जो है हरी मिर्चें बहुत पसंद करते हैं, तो आई एम श्योर कि आपके घर में जो आपके वालिद है, हस्बैंड है, ब्रदर्स वगैरह है, उनको ये डिश बहुत पसंद आएगी। ये हमारी मिर्च, हमारे मिर्चों का सालन। थोड़ा सा ये जो फ्राइंग पैन है, कढ़ाई है, वो गरम है। आज की रेसिपी आई होप कि आपको पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे आपने फीडबैक देना है कि अच्छा, मुझे खुशी होती है कि जब आप लोग मुझे कहते हैं कि हमने ट्राई किया और अच्छी बनी या नहीं बनी, मगर ट्राई करना इज़ मस्ट। थोड़ा सा अदरक हम इसमें शामिल करेंगे और अगर आप चाहे तो एक अदद नींबू। अच्छा, मैं आपको रेसिपीज़ की दोबारा से रिपीट करती हूँ, अगर आपने शो के शुरू में मिस आउट किया कुछ। तकरीबन एक कप मैंने चिकन लिया है और 5 से 6 अदद ये बड़ी वाली जो मिर्चें हैं, हरी मिर्चें, वो एक चम्मच खशखश का जो सीड्स होते हैं वो अगर आपके पास दस्तयाब नहीं है तो कोई बात नहीं। जो लोग मुझे बाहर देखते हैं, अमेरिका, कनाडा वगैरह, उनके पास भी बहुत मुश्किल से मिलती है, बल्कि मिलती ही नहीं है, बैन है, तो वो ये हटा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। मैंने तिल लिया है 2 खाने के चम्मच, नमक हसबे ज़ायका, और ये जो करी पत्ता है 6 अदद, पैसिफिक कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने लिया था, बीच में 2 स्टेप्स थे, तो वो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह उस तेल को यूटिलाइज़ किया। फिर मैंने चिकन को, सबसे पहले तो आपने चिकन को चढ़ा देना है कुक होने के लिए, फिर उसको श्रेड करना है, जो पानी जितना आप डालेंगे उसको आपने खुश करना है। मैंने श्रेड किया, एक फूड प्रोसेसर के हेल्प से आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, श्रेड कर सकते हैं। और मिर्चों को आपने स्टफ़ किया, वो जो मिक्सचर है कोशिश करेगा कि उसको थोड़ा सा टाइम देगा, रूम टेम्परेचर पे आए, क्योंकि हाथों की मदद से आप उसकी स्टफिंग करेंगे, अगर गर्म हुआ तो आई एम टेलिंग यू कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपने 1 अदद प्याज चॉप करके 1 खाने का चम्मच पैसिफिक कुकिंग ऑयल में सौते किया, फिर वो जो मिक्सचर बचा हुआ था वो इसके अंदर शामिल करके, मिर्चें शामिल करके अच्छे से आपने इसको तीनों चीज़ों को एक साथ भुना। और गार्निशिंग करें आप जिस तरह भी चाहे, सलाद के पत्ते से आप कर सकते हैं, लेमन और अदरक के जूलियन स्लाइसेस के साथ। हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है, आई होप आपको पसंद आएगी। आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। Thank you.